अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मवादी तज्जिया का तरीकाकार। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़े थे और उसकी थर्ड मेथड है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। जो पहला जो था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था, और उसके बाद जो सेकंड हमने मेथड पढ़ा वो था सर्वे रिसर्च, और उसके बाद जो थर्ड है वो कंटेंट एनालिसिस मेथड है। कंटेंट एनालिसिस में हम पढ़ेंगे कंटेंट एनालिसिस क्या कैसे क्या होता है, कंटेंट एनालिसिस किस तरह किया जाता है, इसके मेथड्स कौन से हैं, और इसके टाइप्स, इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले बताएंगे कंटेंट एनालिसिस होता क्या है। किसी भी मवाद के अज्जा को जमा करने करके तज्जिया करना मवाद तज्जिया कहलाता है। मतलब इसके नाम से जाहिर हो रहा था कि किसी भी चीज़ के कंटेंट्स को इकट्ठा करके उनका एनालिसिस करने को हम कंटेंट एनालिसिस मेथड कहते हैं। कंटेंट एनालिसिस इज अ टेक्निक फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट। मतलब किसी भी टेक्स्ट के कंटेंट्स को इकट्ठा करके उसको एनालाइज करने को हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। कंटेंट एनालिसिस डाटा इकट्ठा करने का क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेथड भी है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड दोनों में ये कंटेंट एनालिसिस डाटा कलेक्शन के लिए, मवाद इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंटेंट से अब दोनों का अलग अलग मीनिंग बताया जाए तो कंटेंट से जो मुराद है उससे मुराद है कि किसी अल्फाज, मतलब यानी तस्वीर अल्फाज या फिर तस्वीर, इलामात, ख्यालात, तस्वरात या कोई भी ऐसा पैगाम जो कि दूसरों तक पहुँचाया जाए। कि कंटेंट का मतलब है कि ऐसा कोई भी मैसेज जो हम दूसरों तक कन्वे कर सकें, वो इलामात, ख्यालात, तस्वरात के जरिए या फिर तस्वीर भी हो सकते हैं और उसके अलावा अल्फाज भी, उसको हम कंटेंट कहते हैं। जबकि जो जो जिस टेक्स्ट का हम तज्जिया करते हैं उस तज्जिया करने वाले मवाद में कोई विजुअल या फिर मतलब विजुअल चीज़, मतलब जिस जिनको आंखों से देखा जा सके, या फिर वर्बल जिनको ज़बानी बोला जा सके, या फिर राइटिंग में आओ कोई लिखी हुई चीज़, विजुअल लिखी हुई, और उसके अलावा ऐसी चीज़ को हम देख सके या फिर जिसको हम ज़बानी कम्युनिकेट कर सके, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जो कि लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन का सोर्स हो उसको हम टेक्स्ट का नाम दे सकते हैं। जिसमें अखबारात है, किताबें हैं, मैगजीन है, जर्नल है, या फिर कोई फिल्म है, वीडियो है, तस्वीर और फन पारे वगैरह शामिल है। मतलब ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का सोर्स है और हम इनका एनालिसिस कर सकते हैं, इनका हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद बताते हैं कि मवादी दो जो मवादी तज्जिया या फिर कंटेंट एनालिसिस का तरीका, ये कई सौ साल पुराना है, मतलब करीब 100 साल पुराना है। और ये तरीका ज़्यादातर अदब, तारीख, सहाफत, सियासत, तालीम और नफ्सियात जैसे उलूम में इस्तेमाल होता है। मवादी तज्जिया का तरीका मौक़ों को अज़ा के बारे में आगाही देता है कि जो कि इस ज़रिए ब्लाग में इस्तेमाल होते हैं। मतलब मौक़ों को मुख्तलिफ ज़रिए ब्लाग के बारे में पता चलता है और वो उन अज़ा का मुताला करता है, और जो उसका अज़ा का मुताला करने का अंदाज़ होता है, जो एक मौक़ों का तरीका होता है कंटेंट एनालिसिस करने के, किसी चीज़ को देखने को वो एक आम शख्स नहीं कर सकता। इसलिए उसके पास जो पहले से कंटेंट होता है या जो पहले से राइटिंग्स आ चुकी होती हैं, बुक्स, राइटिंग, विजुअल, मूवीज़, वीडियोस जो पहले से बन चुकी होती हैं, उनका एनालिसिस जब करता है तो उसके पास नई से नई चीज़ें आती हैं और वो उनके बारे में मज़ीद गहराई से जानता है। अब कंटेंट एनालिसिस में हम अगर बात करें तो इसमें टीवी इश्तहारात, किताबें, मैगजीन, अखबार, प्रोपेगेंडा तहरीकें, जाती तहरीकें, तहरीरी और ज़बानी पैगाम वगैरह का तज्जिया किया जा सकता है। मतलब ये सारी जो चीज़ें अभी बताई गई इन सब को हम तज्जिया कर सकते हैं। उसके बाद है मवादी तज्जिया का तरीका। मवादी तज्जिया का तरीका के लिए कौन से इकदाम हमें करने पड़ते हैं। मवादी तरीका का तज्जिया के लिए भी स्टेप्स हैं जो वन बाय वन हम उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है सवालात की तैयारी। दूसरी तमाम तहकीकों की तरह इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। मुहक्कक इसमें रिसर्च क्वेश्चन या तहकीकी सवालात बनाता है, वो उन सवालात का तैयार करता है, मतलब अपने जहन में उसका स्केच बनाता है या नोट कर सकता है जिन सवालात का उसने तज्जिया करने के बाद जवाब हासिल करने हैं। इसलिए वो पहले से उन सवालात को या फिर रिसर्च क्वेश्चन को बनाता है।
उसके बाद तजिया की इकाइयाँ या फिर यूनिट ऑफ एनालिसिस हैं। इसमें मुहक्किक डिसाइड करता है कि उसका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा, कि अगर वो मतलब तजिया करता है तो वो उसको पहले तजिया करने वाले मटेरियल को कोई कोड देता है। एग्जाम्पल से बात करते हैं कि अगर मुहक्किक किसी पोलिटिकल कम्पेन का तजिया करना चाह रहा है तो इस स्टेप में वो ये डिसाइड करता है कि अगर वो तजिया अगर वो पोलिटिकल कम्पेन का तजिया करना चाह रहा है तो उसके पास जो रोज़ की जो न्यूज़ आती है उसका उस पॉलिटिकल कम्पेन के बारे में, उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो वो इस चीज़ को अंदाज़ा करता है कि उसने क्या रोज़ का अखबार स्टडी करना है, या फिर वो अखबार की एक मखसूस पोर्शन यानी एडिटोरियल को उसने स्टडी करना है। मतलब वो इसमें ये चीज़ डिसाइड करता है कि उसने उसका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा, मतलब उसने कौन से हिस्से को फोकस रखना है, या उसने रोज़ का अखबार पूरा पढ़ना है या फिर अखबार के एक मखसूस पोर्शन को पढ़ के उसने अपने पोलिटिकल कम्पेन का तजिया करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है नमूना बंदी या सैम्पलिंग। इसमें मुहक्किक जो होता है रैंडम सैम्पलिंग करता है। रैंडम सैम्पलिंग के लिए वो डाटा कलेक्ट करने के करता है। इसके लिए वो मवाद के मतलब रैंडम सैम्पलिंग करके मवाद में से कुछ ना कुछ हिस्सा मंतखब कर लेता है अपने कलेक्शन के लिए, डाटा के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक किताब का तजिया करना चाह रहा है तो किताब के तमाम अल्फाज जो इससे होंगे वो उस सैम्पलिंग में शामिल होंगे, लेकिन क्योंकि मुहक्किक रैंडम सैम्पलिंग कर रहा है इसलिए रैंडम सैम्पलिंग करते हुए पूरी किताब में से चंद मखसूस हिस्सों को अपने सैम्पल के लिए मुंतखब करेगा और उन सैम्पल से हासिल होने वाली मालूमात को एक एक शीट पर रिकॉर्ड कर लेगा और उसको बाकायदा कोई नंबर या कोड देकर वो उन मालूमात को एक जगह पर इकट्ठी कर लेता है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है इन्फ्रेंस या फिर नतीजा। इस मरहले में मुहक्किक के पास जो मुहक्किक नतीजा अख़ज़ करता है वो रिजल्ट लेकर सामने आता है और कोई ना कोई उसके पास नतीजा सामने आता है। न्यूमैन के मुताबिक मवादी तहरीक का जो तरीका है इसमें हमारे पास इसमें ये हमें ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन से अज्जा हैं, लेकिन ये तरीकाकार हमें ये नहीं बता सकता कि इसको पढ़ने से लोगों के जहन पर क्या असरात हुए, या फिर अगर राइटर ने कुछ क्या सोचकर ये किताब लिखा, किस चीज़ से वो मुतासर हुआ था कि उसने ये किताब लिखी और इसके लोगों पर असरात कितने थे। इसलिए इन सवालों के जवाब हमें कंटेंट एनालिसिस के जरिए नहीं मिलते, इसलिए इस तरीक़ों को इतना काबिल भरोसा नहीं कहा जा सकता, ना इसके रिजल्ट इतने वैलिडेट होते हैं।